दो कंटेस्टेंट की एक साथ हुई बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री। जी हां, दूसरे ही हफ्ते में अब वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। दो कंटेस्टेंट के नाम सामने आ चुके हैं, बिग बॉस सीजन 17 के प्रोमो भी सामने आ चुके हैं, जिसमें ये दोनों कंटेस्टेंट देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं ये कंटेस्टेंट, किस किस की एंट्री हुई है और एंट्री के वक्त इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। बिग बॉस सीजन 17 का अभी दूसरा ही हफ्ता है, लेकिन दूसरे ही हफ्ते में अब वाइल्ड कार्ड एंट्री के नाम सामने आ चुके हैं। बिग बॉस के मेकर्स ने प्रोमो भी शेयर कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है ईशा मालविया के रूमर्ड बॉयफ्रेंड समर्थ का। वो तो मंच पर आकर ही सीधा सीधा सारी की सारी बातें कह चुके हैं कि वो ईशा से एक साल पहले मिले थे और ईशा और वो रिलेशनशिप में है। ये बड़ी बात उन्होंने सारी दुनिया के सामने कह डाली है। और दूसरा नाम है मनस्वी का। जी हाँ, मनस्वी भी बिग बॉस के घर के अंदर अब एंट्री ले चुकी हैं। उनका भी प्रोमो सामने आ चुका है, जिसमें वो मंच पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि ये बिग बॉस के इतिहास में कहीं ना कहीं पहली बार होने वाला है जब दूसरे ही हफ्ते में बिग बॉस के घर के अंदर कंटेस्टेंट ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ले ली है और ऐसे कंटेस्टेंट घर के अंदर आए हैं कि अब घर के अंदर झगड़ा होना पूरी तरह से तय है, क्योंकि एक तरफ अब समर्थ होंगे, दूसरी तरफ अभिषेक कुमार, और बीच में रहेंगी यहां पर ईशा मालविया, जिनकी वजह से इन दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा होता हुआ नजर आएगा और जनता इससे एंटरटेन होती हुई भी नजर आएगी। ऐसे में आप वाइल्ड कार्ड को लेकर अगर कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करें और बिग बॉस सीजन 17 से जुड़ी हर लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।